गाइस यार तो कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार वापस से हम आ गए अपनी मिलाइबो गेम में। एंड गाइस अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक ब्रीडिंग करी थी तगड़े तगड़े दो पैर की। तो गाइस आज की वीडियो में हम उस वाले ब्रीडिंग से जो अंडा निकला था उसको हैच करने वाले, मतलब कि ऑलमोस्ट अपना हैच हो चुका है, अपने को सिर्फ ओपन करना है, देखना है कि उस वाले एग में से क्या देखने को मिल सकता है। एंड गाइस यार अभी मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर मेरे दो दो एग जो रखे हैं ना, इसमें से अभी क्रेजी वाले पैल निकलने वाले हैं। इसमें से तो अभी एक प्लान मिला है वो एग निकलने वाला है, लार्ज एग है। एंड गाइस यार मेरे को जिसका इंतजार था ना वो एग ये रहा, ह्यूज टैंप मिला है वो एग। गाइस यार देखने वाला है कि आज की वीडियो में इस वाले एग में से क्या मिलता है, जो ह्यूज वाला दूसरा था जो मैंने ब्रीडिंग करके निकाला था उसमें से देखना है क्या मिलता है। एंड आज की वीडियो में हम ब्रीड करने के लिए रखने वाले अपने जो ड्रैगन टाइप पहले, यानी कि अपना जो ये वाला ड्रैगन है वाटर टाइप ड्रैगन है, उसको हम रखने वाले आज की वीडियो में अपनी ब्रीडिंग के लिए। एंड जो टेरा राइनो है उसको भी हम रखने वाले ब्रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि उसके अंडे में से अपने को क्या चीज मिलती है। एंड मैं ट्राई करूंगा आज ये जो लास्ट टाइम रह गया था अपना स्वॉर्ड मास्टर, इसको भी पकड़ लेंगे हम। एंड मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फ्लेम रैम है उसको भी मैं पकड़ने का ट्राई करूँ, इसको भी हम मैं पकड़ने का ट्राई करूं। तो गाइस यार विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। एंड हां गाइस यार हम 12,000 के बहुत ही करीब है। तो चैनल पर जो कोई भी नया है तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन-कौन से पैल की ब्रीडिंग चाहिए। तो सबसे पहले तो जो ब्रीडिंग वाला एग था वो तो वहां पर अभी यहां पर नहीं है, तो दो एग पड़े उनको अभी हैच कर लेते हैं और देखते हैं कि अपने को यहां पर क्या मिल रहा है। जब प्लान मिला है वो एग है जो है उसमें से देखते हैं कि अपने को क्या चीज देखने को मिलती है। आई थिंक कोई अच्छी सी चीज निकलता है तो सही है। एंड पिंको करके मेरे को कोई पैल मिला, अभी देखते हैं कि ये पैल एकदम न्यू पैल है। ठीक है गाइस ये एकदम न्यू पैल है, तो अभी देखते हैं कि इस पैल में से अपने को क्या एबिलिटी एंड क्या खास है इस पैल में, तो इसको रखते हैं। एंड आई थिंक पिंको इधर कहीं पर हो सकती है आई लेडी। एंड ये भाई ये आते ही फट जाती है, पता नहीं इनका क्या है। इसकी एबिलिटी आई थिंक देख लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं करती भाई। एंड ओके देख लिया इसका, ठीक है का देख लिया। एंड ओके अटैक डैमेज इसका 20% माइनस है। एंड भाई ये क्या मतलब है भाई, इनका सैंड ड्रॉप होता है तो क्या ही मतलब है। इसको अभी बेस पर छोड़ते हैं, देखते हैं कि अभी ये क्या काम कर सकती है। ओके ये बहुत ही क्रेजी है भाई, ये पैल तो अच्छे ही गाइस। यार मेरे को बताओ आपको ये वाली पैल कैसी लगी है। ना अभी अपना जो दूसरा एग है ना उसको भी ओपन करते हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ दो दो पैल को आज दो दो ब्रीडिंग करें, दो दो जगह पर हम एग रखे, कि यहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड अपना जो दूसरा बेस है वहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अपना ह्यूज डैम मिला है वो एग में से क्या मिलता है देखते हैं गाइस यार, अभी देखते हैं। ओके तो गाइस यार अपने को मिला है सैप फायर करके कोई भाई पैल, मेरे को तगड़ा लग रहा है ये भाई, वो लग रही है एंग्री बर्ड जैसा एक पैल लग रहा है मुझे यहाँ पर साइड पे। अभी मीरा टर्मिनल में जाते हैं, देखते हैं अपनी जो एंग्री बर्ड जैसा पैल है ना वो कैसा लगता है। एंड आई थिंक ये रहा, ठीक है इसकी एबिलिटी देखते ही ये डिटेल में जाके कैसा देखता है। ओके तो गाइस यार हेयर वी को अपना एंग्री बर्ड ही है, ठीक है मुझे लग रहा है ये एंग्री बर्ड ही है, तो इसको मैं अभी आई थिंक यहाँ पर निकाल के देख ले गया। ओके इसको यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं कि ये पैल अपना कैसा होने वाला है। एंड लग जा भाई। ओके तो अभी इसको देखते हैं सीधा अपना ये एंग्री बर्ड, ये एंग्री बर्ड तो बहुत बड़ा है, स्ट्रांग अपग्रेड सक्सेस। ओके कुछ सक्सेस हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ा एंग्री बर्ड है भाई, ये वाला तगड़ा है भाई। ये दोनों मुझे बहुत ही ह्यूज मिले क्योंकि इनका आई थिंक ह्यूज था, ठीक है जो एग था वो ह्यूज था इसीलिए अपने को ह्यूज मिला। एंड इसकी एबिलिटी भी हम देख लेते हैं फटाफट की ये क्या क्या काम कर सकता है। इसको अभी लास्ट में रखते हैं क्योंकि अपने को जो जो नए पैल मिलते हैं ना उसको लास्ट में रख देता हूं। एंड इसको रखना थोड़ा ओके ट्रिपी है। एंड इसकी जो एबिलिटी है वो अच्छा खासा पानी डालता है एंड ये सारी चीज़ें करता है। इसको मैं सोच रहा हूं अपने दूसरे वाले बेस पे डाल दूं एंड यहां से अपना जो पहला पैल था इसको भी मैं अभी यहां से ले सकता हूं। एंड ओके अभी अपना जो दूसरा एक ह्यूज था ना, ह्यूज आई थिंक मैंने निकाल लिया कि अभी वहां पर मेरे को दो पैल वापस से मेरे को एक एग रखना है, इधर एक एग रखना है जिससे कि हम वापस से इन दोनों को खोल पाए कल। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक एग पड़ा है तो इसको इलेक्ट्रिक जायंट इलेक्ट्रिक एग इसको यहाँ पर रख दे। ओके तो इसको कंप्लीट होने में अभी 48 आवर्स लगेंगे एंड इसको 100% कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं तो ये जल्दी अच्छा खासा हो जाएगा। एंड इधर से एक और एग ले लेते हैं जो कि मेरे को अभी बाहर रखना है, ये वाला इसको विड्रॉ मारते हैं यहाँ पर जाकर इस वाले एग को इधर ही रख देते हैं। देखते हैं कल गाइस देखने को मिलेगा आपको कि इस वाले एग में से अपने को क्या देखने को मिल सकता है। एंड अभी फटाफट से जाते हैं गाइस यार यहाँ पर, अभी सबसे पहले तो ब्रीडिंग रख लेता हूँ स्टार्ट। एंड मैं जो वहाँ पर दूसरे बेस पर जाकर देखता हूँ कि अपने उस वाले एग में से अपने को क्या तगड़े चीज मिल सकता है। मेरे पास एक राइनो एंड दोनों की भाई सेमी जेंडर है, वाह दोनों के सेमी जेंडर। तो देखते हैं मेरे पास कोई अच्छा वाला, अभी इस ड्रैगन को तो मैं इधर लूंगा, ठीक है मैं सोच रहा हूँ इस वाले ड्रैगन के साथ तो किसी और की ब्रीडिंग कराई, इधर मैंने रख लिया है। एंड इसकी एबिलिटी कावड़ है, तो आई थिंक कावड़ क्या है भाई, कावड़ का मेरे को फुल नहीं पता कि इसकी क्या हो सकती है, लेकिन कोई नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ इसके साथ गोलम, तो गोलम को कर ले क्या भाई, दोनों वहियाते लेकिन दोनों वहियाते, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इधर स्क्रॉल होगा नहीं इतने ही है, तो मैं सोच रहा हूँ गोलम को इसको ले ले, ये लिजर्ट है इसको ले लेते हैं। इसकी ओके इसके आई थिंक ओके सही है, एरमोर बेस्टिया करके एक पैल मिलेगा। तो अभी देखते हैं इसकी स्टार्ट ब्रीडिंग कर देते हैं, अभी यहाँ पर अभी पैल जैसे सुबह होगी ना वैसे यहाँ पर आ जाएंगे। अभी चलते गाइस अपने दूसरे वाले बेस पर, दूसरे वाले बेस पर जाकर देखते हैं अपने को क्या मिलता है। एंड यहाँ पर मिल कैसे ही डाल रखा है भाई। एंड मेरे को भाई अपना जो एक न्यू पैल था ना आपने देखा होगा, तो उस वाले की सैडल भी अभी खुल गई होगी, वो आई थिंक थोड़ा फास्ट चल सकता है, उसकी जो सैडल है उसको भी बनाने के लिए रख देते हैं। एंड यही कहीं पर उसकी सैडल होगी आई थिंक, उसकी सैडल ये रही, उसका नाम क्या था मेरे को सही से प्रोनाउंस कर दो। ओके ब्लू स्क्रैट करके उसका सैडल का नाम है, तो इधर सबसे पहले तो इधर रख देते हैं ब्लू स्क्रैट की सैडल को बनाने के लिए। एंड आई थिंक अपने पास इनफ मटेरियल हो सकता है ब्लू स्क्रैट
भाई नहीं है वहाँ के लिए क्या क्या चाहिए होगा। ब्लू स्क्रैट के लिए मेरे को मेटल बार चाहिए होगा, एनिमल हाइड एंड इलेक्ट्रिक ग्लैड एंड सारी कुछ चीजें चाहिए भाई। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है तो कोई नहीं, इसको तो हम भाई बना लेंगे। एंड सबसे पहले तो मेरे पास क्या क्या चीजें, मैंने इधर कहीं पर एमो, ओके एमो मेरे पास 100 आ गई है। एंड सारी चीजें इधर से अभी रिपेयर करके निकलते हैं, रिपेयर हो जा भाई रिपेयर की तरह। कुछ भी वैसे रिपेयर ज्यादा नीड ही नहीं है रिपेयर करने की, फिर भी कर लेते हैं, ऐसे वैसे करके आए हैं तो रिपेयर कर लेते हैं फिर, क्योंकि इस वाले बेस पर ज्यादा हम नहीं आएंगे। एंड अभी मेरे पास 6 केक पड़ी है तो केक उधर भी बनाने का स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, केक तो बन जाएगी अपनी आराम से। तो अभी निकलते गए यार दूसरे बेस पर, एंड दूसरे बेस पर जाकर देखते हैं कि अपने को कौन सा प्याल मिलता है उस कल वाले अंडे में से। ओके तो गाइस यार अभी हम अपने सेकंड बेस पर आ गए, अपना जो कछुआ है वो तो बढ़िया सा काम ही कर रहा है। एंड अपना जो एग था ना वो आई थिंक यहाँ पर इंक्यूबेट के लिए रखा था। एंड गाइस यार यहाँ पर अपना जो मेटल ओर हो रहा है ना वो बहुत सही माइनिंग हो रहा है। एंड ये लार्ज एयर मिलाई वो एग अपना सक्सेसफुल हैच हो चुका है ना, अभी देखते हैं अपने को इसमें से कौन सा वाला प्याल मिलता है। तो फटाक से करते हैं इसको हैच एंड देखते हैं भाई कौन सा तगड़ा प्याल मिलता है। तो गाइस यार आइस विंग मेरे को एक प्याल मिल गया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आइस विंग बहुत ही फास्ट दौड़ता है, मतलब कि उड़ता है, कुछ भी है भाई आइस विंग बहुत तेज है। लोग मेरे को कमेंट में बता रहे थे कि भाई आइस विंग पकड़ो आइस विंग पकड़ो, लेकिन गाइस यार फाइनली मेरे पास आइस विंग आ चुका है ना, अभी इसको देखते हैं कि अपने को ये कैसा लगता है। F1 भाई सीधा है, देखो मेरे को 2 पैल मिले अभी, 2 की कम। भाई आइस विंग बहुत ही तगड़ा है भाई फ्लायर, भाई इसको तो कुछ भी करके लेना है ठीक है। इसको मीरा टर्मिनल में जाते हैं अभी, सबसे पहले तो मेरे को वापस से मेरा पैल चाहिए होगा। एंड इसका भी लेवल अप करने के लिए साथ में रखूंगा, लेकिन आइस विंग को अभी इधर ही रख देते हैं। एंड मेरा जो ये अभी ब्लू स्क्रैट है इसका भी शेडल एकदम कंप्लीट हो चुका है, तो उसको भी हम देख लेंगे कौन सा फर्स्ट दौड़ता है। एंड ब्लू स्क्रैट है ना आइस विंग का भी देख लेते भाई, अभी रुको हम इधर आ ही चुके तो आइस विंग का देख लेते कि अपने को कौन सी चीज़ सही से मिलती है। एंड इधर मेरे को एग एक रखना पड़ेगा, जैसे इधर ब्रीडिंग के लिए रख लेते हैं, अगर ब्रीडिंग के लिए रख लेंगे ना तो कोई भी एग निकलेगा इसको यहाँ पर हम रख देंगे। मेरे पास कोई बढ़िया सा वैसे तो है सारे कुछ ठीक है, तो इधर देखते हैं कौन से पैल की ब्रीडिंग कर सके हम। ये दोनों फ्लेम की रख दे क्या, लेकिन ओके दोनों फ्लेम रखते थे भाई, फादर एंड इधर मदर ठीक है, दोनों का सेम है इधर, तो इधर रख देते हैं। एंड अभी इनमें से मेरे को साइलेंसर मिलेगा भाई, एक डार्ट टाइप पैल, वाओ भाई इसको तो कर दो ब्रीडिंग भाई, इन दोनों को तुम ब्रीडिंग कर लो ठीक है। तब तक मैं अपना जो न्यू वाला आइस विंग है उसका सैडल देखता हूँ, मेरे को अभी अनलॉक करने में कितना टाइम लग गया सैडल को। इधर जाते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट में जाकर आइस विंग ठीक है, उसका आइस विंग है तो थोड़ा दिखने में दिक्कत होती है यहाँ पर, बहुत छोटा छोटा नाम से अंदर अंदर दे रखे, तो भाई क्या ही बोले इसके बारे में अभी। तो गाइस यार अभी आइस विंग की सैडल तो आप देख ही सकते हो 46 लेवल पे है भाई, 46 एंड मेरा अभी आप देख ही सकते 34 लेवल है भाई, ये तो बहुत दूर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास एक ब्लू स्क्रैट करके है तो उसको हम अभी लेवल अप करने के लिए रख लेते हैं, उसकी सैडल भी फटाफट से बना लेंगे। एंड जिसके लिए जो कोई भी सामान चाहिए वो तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड गाइस यार अभी जैसे ही सुबह होगी वैसे यहाँ पर पहले अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे अपनी ब्रीडिंग कंप्लीट कर देंगे वैसे हम यहाँ पर अपना एग रख देंगे एंड देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सा इंक्यूबेट लग सकता है, मतलब कि वो कितने टाइम लेगा इंक्यूबेट होने में। एंड फटाफट से निकलते गाइस यार अपना जो पैल बॉस था उसको मारने के लिए, देखते हैं कि अभी उसको पकड़ने में अपने को कितना टाइम लगता है। तो गाइस यार अभी हम लोकेशन पर आ चुके हैं, अपने को जिस वाले पैल को स्वॉर्ड मास्टर को पकड़ने जाना है वो आई थिंक इस वाली जगह पर अपने को देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मुझे एक यहाँ पर पैल दिखा जो फ्लायर से। भाई ये क्या है भाई, इसको भी पकड़ के जाते हैं क्या, रुको भाई गोल्डन है तो मेरे को क्या है भाई, तेरे से डर लग रहा है क्या, आ जा चल, ये थोड़ा बहुत तगड़ा लग रहा है तो इसको तो पकड़ के ही जाएंगे भाई, चलो आ जा भाई अभी आ जा, बोनस बिहाइंड लेवल आ जा भाई, बोनस बिहाइंड है क्या, मेरा नेटवर्क इधर से ही जा रहा है, वाह मेरा नेटवर्क तो इधर से ही जा रहा है भाई, अच्छा खासा आ जा, बोनस बिहाइंड ओके बोनस बिहाइंड आ चुका है। तो आई थिंक ये भाई अभी भी नहीं पकड़ में आ रहा क्या, देखते अभी ये कब तक नहीं पकड़ में आता। वैसे तो मेरे पास बॉल आई थिंक 67 68, आ जा बल्ज भाई आ जा, कितना टाइम लगा तू, मंकी किंग गोल्डन मंकी आ जा भाई, कितने बॉल खाएगा मेरे, अभी मेरे पैल को छोड़ देना तू मर जाएगा, चल तू निकल इधर से भाई। फायर ग्लैंड चाहिए, मीरा बॉल भी इससे मिल गई भाई, बहुत सही से मीरा बॉल मिल गई। तो फ्लायर को लेके जाते ठीक है, फायर को लेकर जाते हैं ना, अभी इसके पीछे बॉल बिगाड़ के देखते हैं अपने को कितने बॉल मिलते हैं, मतलब कि हाँ ये लेवल कैप्चर होता है। बोनस बिहाइंड में ये छोटे छोटे पैल नहीं कैप्चर हो रहे, एक गोली लगाऊंगा ये मर जाएगा, मुझे पता था ये मर जाएगा एक ही गोली में। भाई मेरे बॉल खत्म कर रहे हैं बिन बात के, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अभी ये इनको पता नहीं पकड़ना है, इन सारा को पकड़ लूंगा भाई, मेरे को वो गोल्डन मंकी भी चाहिए था, मेरा 2-3 बॉल खा गया वो, लेकिन कोई नहीं इसको पकड़ लेंगे। मेरे को पता लग गया कि ये किस एरिया में अपने को देखने को मिल सकते हैं, इसको पकड़ लेंगे। एंड सारी चीज़ें भी मैं कलेक्ट कर लूंगा। एंड मैं देखता हूँ भाई मेरे को इसी साइड पर जाना है ना, हाँ मेरे को आई थिंक ऊपर जाना है, तो ऊपर तो अभी ये वाला पैल तो इधर पड़ा है भाई, इनका क्या भाई ये तो बहुत स्लो है भाई, ये इसको मत पकड़ो गाइस, इनको मत पकड़ो भाई, ये तो बहुत स्लो है। इस वाले मंकी को भी मैं पकड़ के जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, इन वाले मंकी को तो मैं कुछ भी करके पकड़ के जाऊंगा। मेरी गोलियां बिगड़ रहा है तू, लेकिन तू आ ही जा भाई फ्लेम ठीक है, फ्लेम जो कुछ भी तेरा नाम है कैप्चर है 10%, लेकिन तू आ जा ठीक है, तू मेरे को चाहिए आ जा। चल भाई दूसरा मैंने ये मार देगा इसको, बोनस बिहाइंड आ जा, चल बोनस बिहाइंड हो गया तो ये मार ही देगा, अगर मेरा बॉल नहीं मिला ना ये खा गया ना भाई, ये आ क्यों नहीं रहे मुझे ये समझ आया कोई, ये मेरा बॉल क्यों खा रहा है, ये छोटे से पिद्दू से मैं बोनस बिहाइंड, पूरी इसकी हेल्थ लो है फिर भी ये नहीं आ रहा ठीक है, समझ लो भाई अभी तू जाएगा, चलो अरे जाइयो
एक गोली दूं एंड निकल। अभी भी नहीं आया क्या? अभी भी नहीं मरा क्या? ओके फिनिश भाई। एंड मुझे आई थिंक ऊपर की इस वाली जगह पर जाना है, ठीक है। स्वॉर्ड मास्टर इधर भी देखने को मिल जाएगा। एंड ग्लाइडर बहुत सही है गाइस, अगर आपको क्लाइंब करना है तो पहाड़ी के वहाँ पर चले जाओ एंड ग्लाइडर लगा लो अपना। भाई मैं किधर जा रहा हूँ, मेरे को इधर डंजन में जाना है। चलो अपनी एक ट्रिकर MLG लगाते हैं इधर से। भाई MLG तो तुम्हारा भाई एकदम नेक्स्ट लेवल लगा रहा है, ठीक है, कहीं भी ले लो। हाँ भाई माइनक्राफ्ट में MLG नहीं हो पाती, लेकिन गेम में तो तगड़ी वाली MLG कर ही लेता हूँ मैं। एंड ओके डन, सही है। चलो उधर से एक लीफ मंक लेके निकलते हैं। एंड सबसे पहले तो उधर ही भाई MLG देख रहे हो, तुम्हारे भाई की प्रो नेस्ट देख रहे हो क्या? चलो हेल्थ नहीं जाएगी भाई, हेल्थ नहीं जाएगी। इधर कोई पैल तगड़ा सा नहीं है, फ्लायर है, वो फ्लायर जो उड़ रहा है ना पंछी वाला, उसको तो पकड़ के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केक वेक सारा कुछ है, मेरी इन्वेंट्री ऐसे ही भर रहा है। चलते गाइस यार सीधा अपने डंजन में, एंड डंजन में जाके स्वॉर्ड मास्टर को पकड़ते एकदम इजी पीजी, क्योंकि सबको ट्रिक पता है। भाई मैं ट्रिक से ही अभी पकड़ूंगा, मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा। फाइट लेता हूं तो लोगों को लगता है कि भाई मेरे को नहीं आता ट्रिक यूज करो, तो अभी इसको ट्रिक से ही पकड़ेंगे। स्वॉर्ड मास्टर को तो अभी पकड़ ही लेते हैं। चलो अपना पहला बॉल डाल के देखते हैं कि इसका कैप्चर रेट कितना आता है। ओके बोनस बिहाइंड इसका 10%, तो आई एज यूजुअल आई नो ब्रो, मेरे को पता था कि इसका कैसा आएगा। तो सबसे पहले तो पॉइजन वाला एक एरो मार के, ओ भाई इसके पीछे तो आया ही नहीं, वाह आ जा चल। ओके बोनस कैप्चर, भाई बोनस बिहाइंड तो आ ही नहीं रहा इसको, इसके लिए मेरे को एक पैल छोड़ना ही पड़ेगा मेरा। एंड इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे ही देते भाई। स्वॉर्ड मास्टर तो तगड़ा लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मारेगा? भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है, उसको मारना भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू, उसको मारना भाई। बोनस बिहाइंड ओके आ जाना चाहिए भाई। ये बड़े बड़े बॉस आई थिंक मेरे को लग रहा है कि एकदम इजी आ जाता है, लेकिन जो छोटे वाले होते हैं ना वो नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं आते भाई वो लोग। चलो पॉइजन वाले एरो तेरे को खाने पड़ेंगे मेरी जान, आ जाओ। क्या कर रहा है भाई? भाई ये तगड़ा मार तो तगड़ा रहा है, कुछ भी कहो मार तो तगड़ा रहा है भाई ये। मेरे को पूरा किधर गया, गायब हो गया भाई ये, भाई किधर गया वो वाला पैल, एकदम से ग्लिच हो गया, मेरे को बताएगा कोई कहाँ गया वो इधर कहीं पर? ओके कैप्चर रेट इधर कहीं पर जमीन में चला गया, तो इसको अभी थोड़ा बहुत बाहर निकालना पड़ेगा कैप्चर रेट। भाई किधर? ओके आ गया, तो इसको पीछे से। भाई बोनस लेवल क्यों नहीं आ रहा ये मेरे बिना बात के? ये भाई स्वॉर्ड मास्टर आ जाना स्वॉर्ड, किधर गया भाई? बोनस बिहाइंड, ओके बोनस बिहाइंड अभी 12%। चलो अभी इसको तो पहले निपटाना पड़ेगा, इसकी हेल्थ बहुत सही खाली करनी पड़ेगी। आ जाओ चलो भाई, भाग क्यों रहा है भाई? मेरी पैल को ये मार ना दे, पैल की ऐसी खासी हेल्थ चली ही गई है मेरे पैल की तो। डेढ़ भाई बोलते ही डेढ़, वाह वो तो बोलते ही निपटा दिया इस वाले बंदे ने। भाई स्वॉर्ड मास्टर क्या कर रहा है भाई ये तू? भाई एकदम से आ रहा है वो, देखा ना ऐसे पेड़ काटता है भाई ये, अपनी तलवार से पेड़ काटता है, पता है तुमको अपनी तलवार। पॉइजन नहीं लग रहा है इसको, क्यों भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको पॉइजन नहीं लग रहा? पॉइजन ओके पॉइजन लगना है। अभी इसको वापस से खींच लेता हूँ एंड थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई मेरे पैल को जिंदा होना जरूरी है। ऐसे ही थोड़ी भाई, ऐसे ही थोड़ी, मैं इंसान हूँ, तू एक रोबोट है, एक जानवर है। भाई एकदम से चला जाता है ये, एकदम से ये अच्छा है, पर ये ज्यादातर एकदम झुक के रहता है। देखो भाई ये झुक के रहता है, पता नहीं। आ जा चल बोनस बिहाइंड, आ जा भाई ज्यादा परसेंट दे दे मेरे को, आ जाना चाहिए इस बार तो। हेयर वी गो गाइस, यार अपना जो स्वॉर्ड मास्टर है उसको तो मैंने पकड़ लिया एंड आ जा भाई। स्वॉर्ड मास्टर अपना पहला वाला पकड़ लिया एंड इसमें से भाई फिर एक पैल जो है वो डेड हो गई, शहीद हो गई। तो गाइस यार अभी सुबह तो हो चुकी है, तो एंड आई थिंक मेरे को जैसा लग रहा है कि सुबह हो चुकी है, तो अपने जो पैल है उन लोगों ने ब्रीडिंग कर ली होगी, तो वहाँ पर जाता हूँ सबसे पहले एंड वहाँ पर जाकर इन लोगों के जो एग है ना उनको ले कर, मतलब कि वो कर लेते हैं, हैच करने के लिए रख देते हैं इंक्यूबेटर पर। एंड ये देखो भाई कितना स्लो है, अभी अपनी जो पूरी थोड़ी सी मेहनत है वो आई थिंक अपना जो कौन सा था भाई, आइस क्रेट या कुछ था, उसका शेडल बना लूंगा, तो अभी अच्छे खासी अपनी फ्लाइंग हो जाएगी, थोड़ी तो फास्ट होगी भाई, ज़्यादा नहीं लेकिन नहीं लेकिन थोड़ी तो हो जाएगी ना, तो वो अच्छा रहेगा। उधर चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे जाते हैं, वहाँ से एक पैल उठा के लाते हैं एंड उधर भी जाना है भाई, मैंने देखा ही नहीं। चलो आ जाओ मेरे को इधर दे दो एंड इस वाले पैल पे अभी बैठ के फटाफट से निकलते हैं। चेक पोस्ट पे जाएंगे, अपना जो पैल होगा उसको उठा के लाएंगे, मतलब कि अपना नहीं उन लोगों ने जो पकड़ रखा होगा उसको उठा के लाएंगे। एंड ऑल डैमेज नहीं होता तो सही है, इसको भी भाई पकड़ के क्या करूँ, ये काम के ही नहीं है मेरे को लग रहा है। अभी इन लोगों को लेवल अप करना पड़ेगा, इवॉल्व टाइप आप बोल सकते हो, उनकी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उस टाइम पे मैं करूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तो कुछ काम के नहीं है ये लोग। भाई इधर देखो इन लोगों ने क्या चोमू पैल पकड़ रखा है, तो इसको मैं अभी छुड़ा के क्या ही करूं, मेरे को बताएगा कोई? इन लोगों को मैं छुड़ा के क्या ही करूंगा, कौन बताएगा मेरे को भाई? अभी फटाक से निकलते हैं। तो गाइस हम अपने बेस पर आ चुके हैं, अभी देख ही सकते हो डार्क टाइप है इधर, एग इधर हो चुका है एकदम इंक्यूबेट गाइस, डार्क टाइप है समझ रहे हो। तो फटाक से अभी इस वाले एग को लेते हैं, अभी रखते हैं इसको इंक्यूबेट होने में। लार्ज है भाई, लार्ज डार्क मिला है वो एग, तो अभी सोचने वाली बात है कि इस लार्ज वाले एग में से अपने को कल क्या मिल सकता है। अभी 36 घंटे बाकी, ये 0% है हॉट, तो अभी 100% कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक अपने आप की हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मैं इधर एक बना के ही जाता हूँ, ठीक है।
इधर कंस्ट्रक्ट करके ही जाते हैं भाई, नॉट इनफ। मेरे पास चार कोल नहीं है, फ्लेम कोल, ये सारी चीजें तो मैं उस बेस से लेकर आऊंगा। एंड अभी जाते हैं उस वाले बेस पर, एंड उस वाले बेस पर जाकर देखते हैं कि अपना जो पैल का वो है एग निकल चुका है कि नहीं निकल चुका है। निकल चुका होगा तो उसको भी वहां पर रख देंगे। एंड वहां पर एक पैल है गाइस, उसको भी मुझे पकड़ना है आई थिंक। वहां पर जाते हैं एंड भाई इस वाले पैल को तो रख दो इधर, कोई ना। तो अभी स्वॉर्ड मास्टर को ही लेकर जाते हैं, वहां पर कोई लड़ रहा है आई थिंक, कोई अगर लड़ रहा है ना तो उसका पैल सीधा अपना फायदा उठाते हैं। एंड चलो भाई फटाफट से, आई थिंक यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर कुछ तो पैल की गड़बड़ हो रखी है आई थिंक, कोई तो लड़ रहा है। एंड ओके ये पैल है भाई, ये तो बॉस है, मुझे लगा कोई पैल है आलतू फालतू। इसको पकड़ने का सीधा ट्राई कर गया, इसको पकड़ने का सीधा ट्राई करके इधर एग एक भाई, इधर मैं बॉल की बिगाड़ रहा हूँ मेरी, ये मेरे को समझ नहीं। ये देखो आते ही मारने लग गए भाई ये लोग, मेरे को देखते ही मारने लग गए। मुझे रात को इस पैल को पकड़ना पड़ेगा भाई, रात को इस पैल को पकड़ना पड़ेगा। कोई नहीं, रात को आएंगे ना, अभी निकलते अपने दूसरे वाले बेस पर एंड जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एग ले हुआ कि नहीं हुआ। वैसे तो एग तो हुआ जाएगा बाहर, अपने को इस वाले पैल की सैडल भी बनानी है। ओके तो अभी इधर मैंने एक भाई, इधर कोई एग ही, ओके इधर एक लार्ज एग आ चुका है लेकिन मेरे को इधर दिख नहीं रहा था पड़ा हुआ, तो इसको अभी ले लेते हैं, इसको भी इनिशिएट करने के लिए रख लेते हैं। एंड आई थिंक मेरे को एक एग रखना पड़ेगा इधर से निकाल दूँ क्या, एक एग नहीं तो एक और एग इंक्यूबेटर यहाँ पर बना देता हूँ, जिससे कि अपने को थोड़ा आसान हो जाए जो कि है एग इंक्यूबेट करना। कंस्ट्रक्ट करते हैं इधर ही, इसको बना देते हैं इस साइड। ओके तो अपना अभी इंक्यूबेटर कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर अभी फटाफट से जो एग मैं लेकर आया था वो रख देता हूँ। ये रहा एग, इंसर्ट करते हैं इसको। एंड अभी जो भाई कौन लड़ाई कर रहा है इधर, कौन लड़ाई कर रहा है भाई बदतमीज। अभी देखते हैं विंस बनी, मेरे को एक एग मिल रहा है तो इसको अभी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड दो केक भाई मेरे पास अभी, केक ज्यादा मतलब की सड़ जाएगी, उससे अच्छा मैं ब्रीडिंग पे लगा दूं अपने पैल्स को। तो गाइस यार मुझे जो सबसे तगड़ा आज की वीडियो में पैल मिला है ना, वो अभी आप देख ही सकते हो। मेरे को ये जो अपना फ्लायर है ना वो बहुत तगड़ा लगा भाई, ये सबसे तेज उड़ता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है। मुझे पता लग रहा है इसका लुक देख के कि ये कितना तेज होगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस यार कि आपको ये वाला पैल कैसा लगा। एंड जो को भी पैल निकले वो वाले पैल कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस यार देखी थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस यार कि आपको अपनी ब्रीडिंग में कौन सा नेक्स्ट पैल चाहिए, जिससे कि हम ब्रीडिंग कराए अपने वीडियोस में। ठीक है गाइस यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरी कैसी वीडियो पर, एंड इसका शेड्यूल भी हम जल्दी बना लेंगे।